गाजियाबाद के नोडल अधिकारी एवं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण जनपद के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला MG अस्पताल का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने अस्पताल का भ्रमण करते हुए OPD में मरीजों से बातचीत की और उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। नोडल अधिकारी ने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचकर वहां आयुष्मान भारत के पात्र लाभार्थियों की जानकारी ली। इसके बाद थाना सिहानी गेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से तमाम सवाल जवाब किए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फोकस है, ये उनकी प्राथमिकता है कि जन सामान्य को उत्तर प्रदेश में ना केवल सुरक्षा का एहसास हो बल्कि यदि किसी की किसी भी तरह की समस्या है उसका निस्तारण। उस बात को फील्ड में चेक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपदों में 3 तरह के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। एक महिला उत्पीड़न ना हो, महिलाओं को सुरक्षा का बोध हो, उसके लिए इनफेक्ट महिला अधिकारियों को भी प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। उसके अलावा एक IAS में वरिष्ठ प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी और एक IPS पुलिस में वरिष्ठ जो है IG स्तर ADG स्तर के अधिकारियों को एक एक जिले का प्रभारी बनाया गया है ताकि वो जिले में देखें कि उस प्रकार की जो उनकी मंशा है नीचे उस तरह से कार्रवाई हो रही है। उसी के तहत मैं जनपद गाजियाबाद का प्रभारी हूँ। यहाँ पर आज मैं सभी तरह की चीज़ें, विकास कार्यक्रम, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, थानों का निरीक्षण, हॉस्पिटल का निरीक्षण, वार्डों का निरीक्षण ये कर रहा हूँ और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करूँगा एक दिन आकर